आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है सभी को। गुड मॉर्निंग, सुबह से मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग और आप लोग बने रहना वीडियो में अंत तक और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और यहाँ पे मैंने बेडशीट हटा दी है, काफ़ी दिन से रखी हुई थी बेडशीट, बिछी थी क्योंकि ठंड में बिल्कुल मन नहीं होता है काम करने का। आज तो इतनी बादल था सुबह से और बारिश आज दिन भर हुई है। बेडशीट हटा दी थी, दूसरी बेडशीट बिछा दी थी और झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप ले पाई क्योंकि क्लासें हो रही थी, इस वजह से थोड़ा थोड़ा शूट किया था। और हो गया ब्लॉग तैयार, इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर, ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पोछा लगा लूँगी क्योंकि ज़्यादा फिर बाहर तक का नहीं दिखाया था, अंदर ही दिखाया था। और बच्चों की पढ़ाई होने लगी थी इस वजह से, और बारिश हुई थी और ये कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और सच में ठंड में बिल्कुल मन नहीं होता है काम करने का। और आज तो नहीं धुलूँगी क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, बारिश हो रही है। और सुबह तो नहीं हुई थी बारिश, लेकिन हाँ पोछा उछला लगाने के बाद शुरू हो गई थी, बादल था बहुत तेज। तो आज कपड़े नहीं धुलूँगी, कपड़े कल धुलूँगी, बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े। पोछा लगाया, उसके बाद नहाया और फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया दिन भर। मैंने शाम को फिर स्टार्ट किया था क्योंकि बच्चे काम कर रहे थे, क्लासें हुई पर काम किया। चाय बनाऊंगी क्योंकि 5 बज चुके हैं, चाय का टाइम हो गया है। लाइट चालू और बना लूँ चाय, ठंडी है बहुत ज़्यादा। और बारिश तो आज सुबह से हुई और शाम को भी हुई बारिश, सुबह से चालू हुई और होती रही, कहीं तेज भी हुई कम भी हुई। और इतनी ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा और दोपहर में ब्लॉग नहीं बनाई बिल्कुल भी। चाय बन के हो गई है रेडी, और सामान देख रहे हैं आज स्लिप पे रखा है। आज ठंड ने, ठंड की वजह से हिम्मत नहीं हुई ये सब उठाने की, इसमें सारा खाना है। हो गए थे, ऐसा लग रहा था बहुत अंधेरा हो गया है रात ऐसी, और क्योंकि बादल था बहुत तेज। और ये काम कर रही है और बेटा भी करेगा तो दोनों लड़ते हैं फिर, तो ये थोड़ा टाइम लगाती है, धीरे कर पाती है और वो थोड़ा जल्दी करता है। चाय पी ली और थोड़ा काम कर लिया है, कपड़े अपड़े थे वो लगाए मैंने, तय इसमें नहीं ऐड किया। और ये पढ़ाई कर रही है, ये देखो ये संस्कृत का काम है, ये पढ़ाई हो रही इधर। अभी बेटे का भी काम है, वो भी करेगा तो दोनों लड़ते हैं। ये बड़ा फ़ोन मांगते हैं, ये मुझे चाहिए, तो इससे अभी काम कर रही है क्योंकि ये हैंगू फ़ोन है, इसमें इतने व्हाट्सएप में वीडियो है और इसमें भी है, तो ये भी करने लगा है हैंग। फोन भी कहेंगे, सच में किसके पल्ले पड़ गए। चलिए दोस्तों, ये आज मैंने दोपहर को नहीं मैंने ब्लॉग कोई बनाया क्योंकि टाइम भी नहीं था और बच्चों के इतने काम थे स्कूल के, तो फ़ोन बच्चों के पास रहा। थोड़ा थोड़ा जो मैंने शूट कर पाए जब टाइम मिला तो मैंने किया। और सुबह से इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में, जो रह रहे उन्हें पता होगा आज इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा और अभी भी हो रही है। अब चलूँगी किचन में, चाय बना ली थी, उसके बाद थोड़ी देर बैठी रजाई में,
आप किचन में जाऊंगी, बनाऊंगी खाना, आप लोग बने रहना वीडियो में और बताना कमेंट करके कैसा लगा। मिलूंगी किचन में जाके। आ गई थी किचन में और मैंने आलू धुल के रख दिए थे, जब चाय बनाने आई थी जब भी रख दिए थे धुल के आलू और मेथी। बच्चे तो बोल रहे थे मेथी के पराठे बनाओ, लेकिन पराठे रोज ऑयली ऑयली खा के सच में नुकसान भी करते हैं, तो मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी, मेथी आलू की और रोटी सेकूँगी। और दोपहर में मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, वो भी रखी है थोड़ी है, तो बेटा मेरा नहीं खाता है मेथी की सब्जी, तो देखूंगी उसे दे दूंगी, वो आलू की खाएगा तो, नहीं तो किसी और से सॉस दूंगी उससे खाएगा, मन होगा तो खाएगा आलू टमाटर की, वो मेथी आलू नहीं खाता बिल्कुल भी। इधर हो गया था तेल गरम और हींग जीरा डाल दिया था, हल्दी ये रोज के मसाले और मेथी डाल दी थी, और आलू डाल के अच्छे से चला लूँगी और नमक डाल के ढक के रख दूँगी जब तक आटा गूंद लूँगी। और बज गए थे 6:30। टाइम तो छोटे दिन होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, इतने बिजी हो गए हम लोग। और इधर आलू रख दिए थे बनने के लिए। और इसकी आवाज़ सुनी आप लोगों ने, मैंने आज नहीं कट किया है, लोगों का मैंने इसी में डाल दिया है, नहीं तो मैं कट कर देती हूँ आवाज़ भी और वीडियो भी नहीं शूट करती हूँ, आज मैंने नहीं हटाया, इसमें पड़ा है। और ये सब्जी दी इसे, इसने नहीं खाई, तो ये टमाटर और प्याज लेके आया, बोला काटो इससे खाऊंगा, और मैं गोल गोल नहीं काट रही थी, मैं बारीक बारीक काट रही थी, तो कह रहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे काटो गोल गोल जैसा सलाद में होता है। तो वो मैं बोली ये तो सब्जी या कुछ हाँ उसके साथ सलाद में खाती, तो रोटी उसके साथ खाएगा, तो छोटा छोटा काटूंगी। और बच्चे खा रहे हैं खाना, और इधर रोटी बन रही है, सब्जी बन गई थी और जल्दी बन जाती है क्योंकि नए आलू हैं। और ये आज का खाना था सादा सिंपल, और ये देख रहा था कैमरा चालू है कि नहीं, मन होता है तो आ जाता है, मन नहीं होगा तो नहीं आता है ये, और आजकल तो मन है इसका तो आ रहा है, क्योंकि बच्चे तो जल्दी खाते हैं, 7 बजे थे, 7:30 हो गए थे, और इन बच्चों को दूंगी और काम भी करेंगे, स्कूल का बहुत ज़्यादा है, लड़की की तो छुट्टी पड़ गई तो उसे तो मेहमानों ने दिया, और इसका तो क्लास हो रही है, क्लास भी होती है, छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं अभी, क्लास होती हैं और काम भी मिलता है, तो दिक्कत हो जाती है मुझे सच में बहुत ज़्यादा, मुझे वीडियो शूट करने को नहीं मिल पाता, बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, तो थोड़ा थोड़ा लिया था अकेले, बहुत सब्जी बन गई थी और ये मैं निकाल दूंगी, निकाल के रख दी है, और गैस साफ कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी और बर्तन धुल के रख दूँगी, और हस्बैंड और मैं बच्ची हूँ, खाना बाद में खाऊँगी, पहले क्लीन कर लूँगी किचन, बच्चों ने खा लिया था, और बताना कमेंट करके कैसा लगा। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए सुबह से रात तक के, और बज गए हैं 9, खाना नहीं खाया है, किचन क्लीन हुई, बर्तन जो थे बच्चों ने खाए, रोटी के थे ये धुल लिए हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए, अब खाना खाऊंगी और अब वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, फिर मिलूंगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।